हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, शाम का क्या 7 o'clock 8 o'clock हो रहे हैं लगभग। मैं हूँ आदि अक्ष दीपा। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज देखिए मेरे घर में कैसा माहौल है, बिल्कुल टेंशन का माहौल है। मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो गई, रिपोर्ट में जो बताया था। तो प्लीज़ मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो चैनल देखते हैं यूट्यूब पे, तो सभी पे भरोसा कभी ना करें, हेल्थ को लेके तो खासकर, क्योंकि हेल्थ हमारी बहुत ज़रूरी है। तो इसी से प्रॉब्लम हुई, वो चुकंदर का वीडियो उन्होंने देखा था, वो डेली चुकंदर पीने लगे थे, तो जो रिपोर्ट में आए तो उनको थोड़ा सा डायबिटीज़ की शिकायत बताए हैं। और देखिए आज है हमारी एनिवर्सरी, तो आज हम जा रहे हैं। देखिए टेंशन का घर में माहौल था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि टेंशन का इतना माहौल है घर में, बच्चे हमारे घर में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है टेंशन के माहौल में, बच्चे पे भी असर पड़ता है, कुछ में मन नहीं लगता। तो आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हम जहाँ पहली बार मिले थे मैं और मेरे हस्बैंड ट्रेन में, तो आज हम वहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं ट्रेन में ही इंजॉय करने। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मूड क्यों ना सही किया जाए, ऐसे टेंशन के माहौल में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने खाना कुछ ऐसा बनाया नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ऑयली खाते नहीं, और केक भी नहीं मंगाया, क्योंकि आपको पता है कि रिपोर्ट ऐसी आई तो उसमें शुगर तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, चाय है सब कुछ छोड़ दिया। और अगर आपको मेरा वीडियो, अगर आपको ये देखना हो कि मेरा और मेरे हस्बैंड का वेट कैसे कम हुआ, 3 दिन में 2 किलो, 3-4 दिन में लगभग 2 किलो वेट मेरा कम हुआ, मेरा 52 था तो मेरा 50 हो गया है, तो वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मैंने अपना वेट कैसे कम किया। और देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ रेस्टोरेंट, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, ये ट्रेन कोच में बना हुआ है स्टेशन के बाहर, और जबलपुर का बहुत सुंदर स्टेशन बन गया। अभी कभी आप जबलपुर से निकलते तो ज़रूर बाहर का लोकेशन आके देखिए, आपको जबलपुर का एमपी का सबसे सुंदर स्टेशन है जबलपुर का, बहुत साफ़ सुथरा। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि एयरपोर्ट आ गए हैं। तो हम यहाँ थोड़ा इंजॉय करने आए हैं कि घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो। वैसे तो मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ खाते नहीं ऑयली, करीब 1 वीक से जब से उनको रिपोर्ट का पता चला है। आज है फ्राइडे और मैं ये ब्लॉग कल डालूँगी सैटरडे को, मतलब आज है 3 तारीख और कल ये मैं 4 तारीख को डालूँ, क्योंकि मेरे आपको पता है कि मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि मैं 2 बजे रात को वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत, मतलब दिन में तो रोड चलती रहती है और रात को जब मैं वॉइस ओवर करना चाहती हूँ तो 1-1.5 बजे तक बच्चे खेलते रहते हैं, क्रिकेट तो हम वॉइस ओवर नहीं कर पाते, बहुत हल्ले की आवाज़ आती है, तो इसलिए मैं दिन में कई बार वीडियो बना लेती हूँ, वॉइस ओवर मुझे रात को करना पड़ता है, क्योंकि मैं अब क्लियर सब आपको सुना सकूँ इसलिए, और आप भी डिस्टर्ब ना हो। तो हम यहाँ आ गए हैं, जो लोकेशन है यहाँ का, जो बोगी है बहुत अच्छा सेटअप बनाया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही क्लीन है। कभी अगर आप जबलपुर आते तो आप ये कोच में आके, रेस्टोरेंट के ट्रेन वाले कोच में ज़रूर आके खाएं। और जो यहाँ का रेट है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं है, और जो खाना हम लोग को यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा है, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। और आप जब आएंगे तो यहाँ ऐसा लगेगा आप ट्रेन में ही बैठे हो, ट्रेन के कोच में ही बैठे हो, एसी वाले में, और यहाँ साउंड भी वैसे ही चलता रहता है जैसे आप ट्रेन में बैठे हो। और जो चारों तरफ वो लगी है सीनरी लगी है ब्लैक एंड वाइट, जब जबलपुर हमारा स्टेशन या बरगी डैम जो जबलपुर में थे वो जानते होंगे, तो यहाँ जो जो चीज़ें पुरानी थी वो बहुत सुंदर ब्लैक एंड वाइट में कैसी थी पहले, बहुत साल पहले, तो वो पूरी पिक लगी हुई है, फ़ैन एन एसी सब है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, फैमिली काफ़ी आई हुई है, तो हमने 2 थाली ऑर्डर किया, 1 थाली में स्वीट्स है क्योंकि बच्चा स्वीट वाला खाएगा, और 1 थाली में स्वीट नहीं है और बिना बटर वाली रोटी है, और ये तंदूरी रोटी भी ऑर्डर नहीं किया, सिंपल रोटी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया। ये करीब मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते बाद ये ऐसा खाना खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा खाना बनता है दिन में आजकल वो भुंजिया चावल और मूंग की दाल ही बनती है, अरहर की दाल नहीं बनती है। और मेरे हस्बैंड चाय या ऑयली सब छोड़ चुके हैं, तो आज मैंने उनको फोर्स किया कि आप डरिए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, भरोसा रखिए भगवान के ऊपर, यूट्यूब फैमिली का प्यार हमारे साथ तो बड़ों का आशीर्वाद है, तो कुछ नहीं होगा, टेंशन तो थोड़ी हो ही जाती है क्योंकि अभी इतनी एज है नहीं और बच्चा भी है छोटा, भी उसके लिए सब कुछ करना है, तो इससे थोड़ा टेंशन हो जाती है। तो आज हमारा यहाँ का हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। तो हमने सोचा कि चलो जो हम यहाँ आए थे तो यहाँ का पूरा ब्लॉग आपको क्यों ना दिखाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ट्रेन में ही हमारी मुलाकात हुई थी, तो इसलिए हम यहाँ इंजॉय करने आए थे, थोड़ा सा मूड सही करने आए थे, क्योंकि जब टेंशन होती तो घर का माहौल और खुद का
खुद भी निगेटिव चीज़ आने लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो आज मैं अभी आपको स्टेशन दिखाती हूँ जबलपुर का, बहुत खूबसूरत है। जो जबलपुर में रहते हैं वो तो देखते ही हैं, पर जो जबलपुर के बाहर है तो देखिएगा हमारा जबलपुर का स्टेशन बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अभी बन गया है। पहले भी बहुत क्लीन था जबलपुर का स्टेशन, MP का सबसे क्लीन स्टेशन था जबलपुर का स्टेशन, अब बहुत सुंदर बन गया। लोकेशन बहुत सुंदर, व्यू इतना सुंदर लगता है ऐसा लगेगा आप एयरपोर्ट पर आ गए हो, तो बहुत सुंदर। तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक रेस्टोरेंट तक आए हैं तो थोड़ा पूरा व्यू हम अपने यूट्यूबर फैमिली को जो जबलपुर के बाहर है उनको ज़रूर दिखाएं कि हमारा जबलपुर सिटी कैसा है। तो ये अंदर आगे जाना एंट्री नहीं दी जाती है बाइक से, क्योंकि यहाँ गार्ड लगे हुए हैं तो एंट्री नहीं जाती। अभी मेरे मोबाइल में क्लियर नहीं आपको दिख रहा होगा, जो उसका सिल्वर कलर का पूरा वॉल है बहुत सुंदर लगती है दूर से, पास से भी बहुत सुंदर, बहुत क्लीन हो गया है। वैसे तो अब सभी जगह बहुत अच्छे साफ सुथरा हो गया है तो, पर जबलपुर बहुत सुंदर वो देखिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर। तो हम पूरा स्टेशन से अंदर जाके मतलब उससे परमिशन लिया है, थोड़ा सा इन्हें बोला कि जाने दीजिए तो उन्हें अंदर आने दिया, ऐसे अंदर आने गाड़ी नहीं देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर, लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, लोग बैठे हुए हैं, तो देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। और यहाँ से ये सीढ़ी जाती है, देखिए ये यहाँ से वो वाली सीढ़ी है स्ट्रेचर, ये देखिए ये बहुत सुंदर। यहाँ अभी एक रेस्टोरेंट और है यहाँ पर, तो अभी शायद बंद है पड़ा है, तो इसलिए अब हम यहाँ से टर्न होके घर जाएंगे। घर लगभग घर हमारा यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम कभी अगर हमें जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो जब हमें कहीं कुछ खाने का लगता था तो हम ज़्यादातर यहीं आता था, खाने का खाना हो जाता था। और बहुत मतलब हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते बाहर की, जंक फूड नहीं खाते, तो ज़्यादातर हम खाना ही खाते। तो हम जबलपुर के स्टेशन पे ही आके ये रेस्टोरेंट में खाना खाते जब से ओपन हुआ। तो और ये देखिए रोडें बहुत सुंदर हो गई हैं, और रोडों में जो 3D लाइट लगी है उसके कारण जो रोडों का व्यू है बहुत सुंदर हो गया है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है। ये देखिए ये कलेक्टेड का है, कितना सुंदर दिख रहा है, ये जबलपुर का कलेक्टेड है तो बहुत सुंदर दिख रहा है। और करीब ये 8:30 बज चुके हैं लगभग, तो रोड कभी काफ़ी खाली हो, क्योंकि अभी भी ठंड है, हम बाहर निकले हुए हैं तो काफ़ी ठंड है। हमें तो लगा था कि गर्मी होगी तो हम इसलिए स्वेटर या जैकेट पहन के नहीं आए थे, बच्चे बस को जैकेट पहना लाए थे, पर यहाँ आए हैं तो हम बहुत ठंडा लग रहा है। ये अब हम कलेक्टेड होते हुए घंटा घर के साइड जा रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा सा जो व्यू हम दिखा सकते हैं अपने यूट्यूब फैमिली को, ये हाई कोर्ट की जो अभी नई रोड है ये बन गई है, बहुत ही चौड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। तो और ये है हमारे यहाँ का जो सबसे पास है ये है इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन कॉफ़ी हाउस है, सॉरी इंडियन कॉफ़ी हाउस है, जो हमारे यहाँ एरिया का सबसे पास का है। और ये जो एरिया है ये जबलपुर का मेन एरिया कहलाता है। और ये घंटा घर से होते हुए हम बड़ी ओमती से होते हुए अपने घर जाएंगे। तो ये है बड़ी ओमती, ये जबलपुर का बहुत पास मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। और ये जो एरिया यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, और जो जो दूर के लोग हैं जबलपुर के वो हर कोई यहाँ ये इस एरिया में या छोटी मतलब आते ही हैं शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ हर बजट का आपको सामान मिलता है। तो यहाँ से होते हुए अब हम घर जाएंगे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा व्यू हम अपने जबलपुर का दिखाते हैं यूट्यूब फैमिली को कि हमारा जबलपुर कैसा दिखता है रात के टाइम, और बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की ठंड है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यही सोचा कि चलो हस्बैंड और बच्चे का थोड़ा सा मूड अच्छा चेंज हो जाए। और अब हम पहुंच चुके हैं घर, देखिए। तो हम यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी वीडियो देखें बहुत सोच समझ के देखें दोस्तों। और अब मैं देखो अपना वेट बताती हूँ, और मेरा ब्लॉग कैसा बना जरूर बताइएगा, मेरे ब्लॉग से कुछ आपको सीखने मिला कि नहीं। देखिए ये 50 kg हो चुका, 50.4, मेरा 52 था। अब बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो देखना है कि नहीं। ओके बाय।